टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक तरफ जहां कुर्बानी के लिए लोग बकरे खरीद कर ला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुर्बानी के लिए पाले गए दो बकरों की चोरी होने की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि ये दोनों बकरे घर के अंदर बंद थे और दरवाजे की कड़ी काटकर दोनों बकरों की चोरी होने का ये मामला सामने आया है। ये पूरा मामला मुमरा के गाँव देवी इलाके का है। आप जो वीडियो में तस्वीर देख रहे हैं, ये वही दोनों बकरे हैं जिनकी रात के समय चोरी हो गई है। अलाउद्दीन खान ने बताया कि करीब 1.5 साल से इन दोनों बकरों को वो कुर्बानी के लिए पाल रहे थे और अब जब कुर्बानी का वक्त कुछ ही दिन बचा है तो इन दोनों बकरों की चोरी हो गई, जिसकी वजह से वो उन्हें काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। अलाउद्दीन खान ने बताया कि वो अपने एक दूसरे घर में रहते हैं और दोनों बकरों को एक घर में बंद करके बाहर से रात के समय ताला लगा दिया करते थे, लेकिन इन दोनों बकरों के जो कुर्बानी के लिए ये रखे थे, किसी ने रात के समय दरवाजे की कड़ी काटी और दोनों बकरों को चुरा ले गया। अगर आप भी कुर्बानी के लिए बकरे खरीद कर लाए हैं तो सावधान हो जाएं। अगर आप घर के दरवाजे पर बकरे बांधते हैं तो उन पर नज़र रखें, क्योंकि जब घर के अंदर कुर्बानी के बकरे बंद थे, उन्हें कड़ी काट कर चोरी कर लिया गया, तो फिर चोर किसी भी हद तक चोरी के लिए गुजर सकता है। क्या नाम है आपका? अलाउद्दीन खान। अलाउद्दीन साहबुद्दीन खान। क्या आपके यहाँ से कितने बकरे चोरी हुए? दो बकरे चोरी हुए। 1.5 साल से हम लोग पालते थे, बच्चे थे ना तभी लेके आए थे। ये 1.5 साल से पाल रहे थे, लेकिन अभी एक बकरा 60 किलो का था, एक 40 किलो का था। तो अभी आज रात में 12:30 बजे हम लोग चारा दिए, उसके बाद सुबह 6:30 बजे आए, 6 बजे आए तो बकरा है ही नहीं। तो कहाँ रखे थे बकरे को? बकरा इधर बाजू में रहता था अपना, नहीं मेरे घर के पीछे रहता था। तो मतलब घर में था? हाँ, ताला वाला लगा था? ताला लगा था, उसको कुंडी कटिंग करके तोड़ के ले गए। तो लगभग कितने कीमत के रहेंगे दोनों बकरे? वो बकरा 45,000 रुपये का बड़ा बकरा रहे होगा और 18-19,000 रुपये का छोटा बकरा। अच्छा, तो आप पाल रहे थे क्या कुर्बानी के लिए? खुद कुर्बानी के लिए। अदर कस्टमर भी आए थे, 2-4 आए थे कस्टमर पूछने के लिए भी, निकले हम लोग बोले नहीं बेचेंगे। अच्छा, मतलब बकरा ईद में कुर्बानी की? हाँ, बकरा ईद में कुर्बानी की। मतलब 1.5 साल से पाल रहे थे आप और आप कुर्बानी का वक्त आया तो चोरी हो गया? हाँ जी। तो यहाँ के एरिया के भी है, मतलब जो 4-5 लड़के लोग हैं इधर जो घूमते रहते हैं, उनका चीना पहचान है, क्योंकि बाहर का चोर आएगा ही नहीं। एरिया का चोर है वही लोग है इधर, बाहर के चोर लोग को बुला के वही लोग लेके गए। अपने कंप्लेंट वगैरह? कंप्लेंट के लिए मैं गया था, लेकिन वहाँ पे रजिस्टर में खाली लिखा पढ़ी किए, उसके बाद में कौसा चौकी भेजे, कौसा चौकी फिर 2 नंबर में आया, नहीं पहला 3 नंबर में भेजे थे, फिर 2 नंबर में आया, उधर से बोले जाके NC लेके आओ। और NC के लिए आया तो इधर फिर बात किया, तो क्या बोलते एक फ़ोन नंबर और उनका नाम दिए, बोले 2 नंबर चौकी के, तो आप बोले गए कलवा हॉस्पिटल, वो आएंगे, उनको 4:30-5 बजे फ़ोन करो, वो आएंगे तो जो उनको बताओ और CCTV कैमरा जो है तुम्हारे आसपास में किधर बताओ, वो चेक करेंगे। कंप्लेंट लिए या नहीं? कंप्लेंट नहीं लिए, खाली घुमाते रहे। खाली घुमाए 2 नंबर फिर 3 नंबर घुमाते रहे, कंप्लेंट नहीं लिए, खाली नंबर और नाम लिख के और साहब का दिए, बोले 4:30-5 बजे फ़ोन करना, वो आएंगे। वो NC कुछ भी नहीं लिए। अच्छा, कुछ भी चोरी रहता है जाएंगे बोलेंगे तो कम NC लेते ही नहीं, तो 2-3 वाक़ हो गया।